आपके साथ कभी ना कभी ऐसा हुआ ही होगा कि आप किसी के साथ बहस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा वाली। सामने वाला इंसान आपको काफ़ी कुछ बोल देता है, आप भी कुछ ना कुछ बोल ही देते हो, लेकिन बहस ख़त्म होने के थोड़ी देर बाद सारे मस्त मस्त रिप्लाई आपके माइंड में आने लगते हैं। आपको रियलाइज़ होता है कि यार उस टाइम पे ऐसा जवाब देना चाहिए था, उस बात को ऐसे डिफेंड करना था। ऐसे ही बहुत सारे बढ़िया वाले जवाब आपके दिमाग में एक एक करके आने लगते हैं, लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी होती है। ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं होता, ये एक फिनोमिना है। इसी तरह एक और सिचुएशन आपने फील की होगी, कभी कभी किसी नई जगह पर जाते हो पर सडनली आपको ऐसा फील होता है कि इस जगह पर आप पहले भी आ चुके हो, या फिर आप कोई काम कर रहे होते हो, दोस्तों से बात कर रहे होते हो, अचानक आपको लगता है ये बातें तो हम पहले भी कर चुके हैं। ये एक काफ़ी स्ट्रेंज फीलिंग होती है, इस फीलिंग को नाम दिया जाता है डेजा वू। इसी तरह के मिस्टीरियस फिनोमिना शेयर करने वाले हैं हम आज के इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। इस वीडियो का पहला फिनोमिना है डेजा वू। ये एक ऐसी स्ट्रेंज फीलिंग होती है जिसमें हमें ऐसा लगता है कि ये सब तो हम पहले भी कर चुके हैं। किसी नई जगह पर जहां आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो, उस जगह को देखकर आपको अचानक ऐसी फीलिंग आती है कि ये जगह हमने पहले भी देखी है। फिर आपको ऐसा लगता होगा कि ज़रूर मेरा इस जगह से पिछले जन्म का कोई रिश्ता है, पिछले जन्म में ये पूरा मेरा साम्राज्य था और मैं यहाँ का राजा। मतलब काफ़ी सारे लोग इस स्ट्रेंज फीलिंग को पुनर्जन्म से भी जोड़कर देखते हैं, और बहुत सारे लोगों को तो ये भी लगता होगा कि शायद मैं फ्यूचर देख सकता हूँ। पर रियलिटी कुछ और होती है। डेजा वू का एक्चुअल मीनिंग ही होता है ऑलरेडी सीन। ये फ्रेंच का एक वर्ड है। डेजा वू को लेकर अलग अलग तरह के एक्सप्लेनेशंस दिए जाते हैं। कुछ लोग इसे पुनर्जन्म से जोड़कर देखते हैं, वहीं कुछ लोग इसे पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस का नाम भी देते हैं। वैसे इस चैनल पर काफ़ी टाइम से पैरानॉर्मल साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई वीडियो नहीं आई है, अगर आप देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। खैर, ये पैरानॉर्मल और पुनर्जन्म वाली एक्सप्लेनेशंस के अलावा बहुत सारे साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट भी दिए जाते हैं। इसमें कुछ थ्योरीज भी दी गई हैं, हम कॉमन थ्योरीज आपके साथ शेयर करेंगे और आप हमें बताना कि आपको इनमें से कौन सी थ्योरी 100% सही लगती है। न्यूरोसाइंटिस्ट ऐसी सिचुएशन को प्रीकॉग्निशन के तौर पर देखते हैं। कहते हैं कभी कभी हमारा सेंस ऑफ रिकलेक्शन इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है कि उस टाइम जगह और फीलिंग को ज़्यादा स्ट्रांगली परसीव कर लेते हैं, और ऐसा करना हमें स्ट्रेंज फीलिंग देता है। बात करें थ्योरीज की तो पहली थ्योरी है ड्रीम बेस्ड थ्योरी। इस थ्योरी की माने तो डेजा वू होने का सबसे बड़ा रीज़न है हमारे सपने। जब हम सोने से पहले कुछ सोचते हैं तो इस बात के चांसेस बढ़ जाते हैं कि जो हमने सोचा है वही सेम चीज़ हमारे सपने में आए, और सोने से पहले जो हम सोच रहे होते हैं वो असल में हमारी रियल लाइफ से काफ़ी हद तक रिलेटेड होता है। मान लीजिए कि आप सोच रहे थे कि आप अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने गए हो और वहाँ कुछ बात कर रहे हो, ऐसे में हो सकता है कि आप अपने सपने में ऐसा कुछ देखो, और जैसा कि सुबह उठने तक हम सभी लोग अपना 90% सपना भूल चुके होते हैं, तो जब रियलिटी में हम दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं या फिर बात कर रहे होते हैं तो वो सपना हमारे सबकॉन्शियस में आ जाता है, और धीरे धीरे जब वो सपना हमारे सामने आता है तो हमें ऐसा लगता है कि हम ये सब पहले भी कर चुके हैं, या फिर ये बातें हम पहले भी कर चुके हैं, बस हमें ये याद नहीं आता कि ऐसा कब हुआ था। ये थी ड्रीम बेस्ड थ्योरी। दूसरी थ्योरी है ग्लिच थ्योरी। ग्लिच थ्योरी एक बहुत कॉम्प्लेक्स और दिमाग घुमा देने वाली थ्योरी है, इसलिए इसको थोड़ा ईजी वर्ड्स में समझने की कोशिश करेंगे। यूजुअली डेजा वू हमारी लाइफ का एक छोटा सा मोमेंट होता है जिसको हम थोड़े ही टाइम बाद भूल जाते हैं, लेकिन ये थ्योरी कहती है कि डेजा वू हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा और एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। ये थ्योरी ड्रीम बेस्ड थ्योरी को भी डिनाय करती है। इसका मानना है कि डेजा वू कोई सपना नहीं होता बल्कि ये एक रियलिटी है, और जैसा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, टाइम इज़ एन इल्यूजन। इस बात का डीप मीनिंग तो कुछ और था, लेकिन इस थ्योरी में कहा जाता है कि इस दुनिया में टाइम जैसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ एक इल्यूजन है जिसे इंसान की लाइफ को आसान बनाने के लिए सिर्फ यूज़ किया जाता है। ग्लिच थ्योरी में कहते हैं कि समय एक छल है और डेजा वू हमें इससे निजात दिला देता है। ग्लिच थ्योरी कहती है कि असल में जब हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को एक साथ जीते हैं तब डेजा वू का आभास हमें होता है, और हमें ऐसा लगने लगता है कि ये पहले भी कहीं तो हो चुका है। और वैसे ग्लिच का तो मतलब ही यही होता है, रुकावट या गड़बड़। तो ये रुकावट हमारी डेली लाइफ को रियलिटी से एक छोटा सा ब्रेक देती है, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में डेजा वू कहते हैं। चलिए बात करते हैं अगले फिनोमेना की, जो है कैप ग्रास इल्यूजन।
इसको कैपग्रास सिंड्रोम भी कहते हैं। ये एक काफ़ी अजीब सा सिंड्रोम है जिसे इंसान को लगता है कि उसका कोई फ्रेंड या फिर कोई फैमिली मेम्बर असल में वो है ही नहीं, किसी बहरूपिया या फिर हमशक्ल ने उस फ्रेंड की जगह ले ली है और असली वाले फ्रेंड को कहीं गायब कर दिया है। इसे हम डिल्यूजन ऑफ डबल्स भी कहते हैं, बिल्कुल पुरानी मूवी जैसा, जुड़वा रोल जैसा। यह मिस आइडेंटिफिकेशन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि इसको फेस करने वाला इंसान किसी भी इंसान पर ट्रस्ट नहीं कर पाता और उस फ्रेंड या फिर उस फैमिली मेम्बर को स्ट्रेंजर की तरह ही ट्रीट करने लगता है। द ब्रोकन एक मूवी है जिसमें इस सिंड्रोम को बहुत अच्छी तरह से दर्शाया गया है, अगर आप चाहें तो वो मूवी भी देख सकते हैं। वैसे तो एक बहुत रेयर कंडीशन होती है जो मोस्टली स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट में डेवलप हो सकती है। इस वीडियो का तीसरा फिनोमिना है ले स्प्रिट दी स्केलियर। इसको स्टेयरवे विट के नाम से भी जाना जाता है। ये ऐसी कंडीशन होती है जहाँ सिचुएशन निकल जाने के बाद आपको बहुत सारे क्लेवर आइडियाज आने लगते हैं। ऐसे में रिग्रेट की फीलिंग आती है कि ये जवाब हमने पहले क्यों नहीं याद आया। ऐसी बहुत सारी लाइंस और बहुत सारे फैक्ट हमें याद आते हैं जिनका यूज करके हम उस बात का जवाब दे सकते थे, लेकिन सुटेबल और नीडेड टाइम पर हमारी ये एबिलिटी पूरी तरह से गायब हो जाती है। अगर आपको लगता है कि ऐसा सिर्फ आपके साथ ही होता है तो आप पूरी तरह से गलत हो। ये अप्रॉक्स 85% लोगों के साथ जनरली रोज ही होता रहता है। अगर आपके साथ किसी आर्ग्यूमेंट के टाइम पर ऐसा हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आर्ग्यूमेंट खत्म होने के बहुत देर बाद या फिर रात में सोने से पहले आपको याद आता है कि हम इस बात का आंसर ऐसे दे सकते थे। दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए द साइकोलॉजी क्लासेस को। हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में।